दुर्ग नगर निगम की लापरवाही एक बार फिर देखने को मिली, जहां पानी सप्लाई के लिए बने गड्ढे में एक वृद्ध महिला का पैर जा धंसा, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से रॉड को काटकर महिला का पैर बाहर निकाला गया। वहीं महिला के पैर में रॉड पूरी तरह से आर पार धंसा हुआ था, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से 108 से जिला अस्पताल भिजवाया। दुर्ग नगर निगम की अनदेखी और लापरवाही का नजारा शनिवार को दुर्ग के अग्रसेन चौक पर नजर आया, जहां अपने काम पर पैदल जा रही लगभग 55 वर्षीय सुकांति देवी कैलाश नगर निवासी का पैर पानी सप्लाई के लिए बनाए गए वॉल्व के गड्ढे में जा फंसा। गड्ढा इतना गहरा था कि महिला का पैर आसानी से जा धंसा। वहीं आसपास खड़े लोगों ने महिला को बचाने व गड्ढे से पैर बाहर निकालने की जुगत में जुटे नजर आए। वहीं मौजूद लोगों ने ड्रिल मशीन से गड्ढे का मुंह को बड़ा किया, साथ ही वृद्ध महिला का पैर गड्ढे में जाने से उसमें लगी रॉड के पैर में आर पार घुस चुकी थी, जिसे वहां पर मौजूद लोगों की मदद से ग्राइंडर मशीन मंगवा कर रॉड को काटा गया, जिसके बाद महिला का पैर बाहर निकल सका। महिला के पैर में रॉड पूरी तरीके से घुस चुकी थी। मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने तत्काल 108 की मदद से एम्बुलेंस को बुलवाया, जिसमें महिला को तुरंत जिला अस्पताल भेजा गया। लापरवाही नहीं, जहां भी वाल्व बनाए जाते हैं वहां पे क्या है कि वाल्व खोलने के लिए एक छेद करके देना पड़ता है, ताकि वो वाल्व खोला जाए, बंद किया जाए, वहां से ऑपरेट हो जाए। हो सकता है कि उसमें छेद बड़ा हो तो महिला का पैर घुस गया होगा, ये एक दुर्घटना हो सकती है। और मैंने इसको संज्ञान में लेते हुए तत्काल आदेश दिया है कि इस चैम्बर को पूरा टोटल ऊपर से बंद कर दिया है। क्रिश्चियन चौक में अमृत मिशन का काम 1.5-2 महीने से चला, जिससे यहाँ की यातायात सुविधा ठप रही, और उसके पश्चात अमृत मिशन के ठेकेदार द्वारा यहाँ पे एक ऐसा गड्ढा छोड़ दिया गया जो जानलेवा साबित हो रहा है, जिसमें अभी तक की 4 महिलाएं उसमें गिर चुकी है, जिसमें आज एक महिला गिरी है जिसके पैर पे राड भी गिर गया, वो बुरी तरह से चोटग्रस्त हुई है। और दुर्ग नगर निगम के महापौर 2 साल की अपनी उपलब्धि बताने लगे, यही क्या उनकी उपलब्धि है, गड्ढों से बड़ा हुआ सड़क है और ऐसे गड्ढे जो जानलेवे हैं, और महापौर जी खाई विधायक के पीछे घूमने से विकास नहीं होता है, इसके लिए आपको सड़क पे उतरना होगा, लोगों से मिलना होगा और लोगों की समस्या को सुनना होगा, और जहां समस्या दिखे उसका निदान करना होगा। खाली पेपरबाजी करने से, मीडिया में बोलने से, बड़े बड़े पोस्टर लगाने से विकास कार्य नहीं होता, विकास धरातल पर है ही नहीं। दुर्ग नगर निगम ऐसा हो गया जैसे महापौरहीन है, यहां देखने वाला सुनने वाला कोई नहीं है, जनता परेशान है, लोग गड्ढे में गिर रहे हैं, चोटग्रस्त हो रहे हैं, और भगवान न करे कोई बड़ा हादसा हो जाए। जा रहा था, देखा एक महिला का पैर गड्ढे में फंसा हुआ है, तो कुछ लोग यहाँ निकालने की कोशिश कर रहे थे, उसमें मैं कुछ मेरे भी दोस्त यार भाई बोले, भाई देखो पैर फंस गया है, निकालने के लिए मैं गया वहाँ पे, तो देखा उनका पैर करीब 4 इंची पैर में घुस गई थी राड, उसको बहुत दिया कि यहाँ से ब्रेकर मशीन ला कर, ग्राइंडर मशीन ला कर उनका पैर 1-1.5 घंटे के अंदर निकाला गया। इस पर अभी तक के कोई नहीं आया, और भी जो लोग आने के थे नहीं आए, ना प्रशासन आई ना कोई आई, ऐसा गड्ढा घुसा हुआ है, महिला के पैर में राड घुसा हुआ है, और अभी 108 में उनको लेके गए हुए हैं। अध्यक्ष है दुर्ग नगर निगम, इस तरीके से झाड़ू पोछा मार के दुर्ग शहर को चमकाने की जो कोशिश कर रही है, उसकी आज पोल खुल गई है। एक गरीब महिला जो पैदल चलते हुए अपने घर जा रही थी, उसका पैर एक गटर में घुसा, जो बीच हमारे हृदय स्थल अग्रसेन चौक में है, उसमें गटर में पैर फंसा और रॉड उनके पैरों में घुस गया, जिसे यहाँ के स्थानीय निवासियों द्वारा हम लोगों ने बड़ी मशक्कत करके उसको निकालने की कोशिश की। उसके निगम के कर्मचारियों को और अधिकारियों को सूचना देने के बावजूद 1 घंटे तक जद्दोजहद करने के बावजूद कोई भी निगम के कर्मचारी यहाँ पर उपस्थित थे। दुर्ग शहर के नागरिकों की जान को का निगम प्रशासन को कोई भी सूद नहीं है, हम लोग अपने यहाँ पे निवासी लोग अपनी जान को हथेली पे रख कर चलते हैं, जहाँ पे गड्ढे हुआ रहता है वहाँ पे ना तो निगम कर्मचारी, ना तो निगम का अधिकारी, ना तो निगम का प्रशासन, और ना ही यहाँ के जनप्रतिनिधि कोई उस समस्या से उनको कोई सरोकार नहीं होता है, और वो अपने हालत पे समस्या जस की तस पड़ी। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।